नमस्कार। प्रेडिक्शन है आज का टॉरस यानी कि वृष राशि। बुल के जैसी पावरफुल शक्तिशाली वृष राशि के लिए मार्च 2024 क्या फल लेकर आया है, क्या परिणाम लेकर आया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शन में बात करेंगे शुक्र ग्रह की ट्रांजिट से। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है ये आपके भाग्य भुवन में है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। गुड लक विल फेवर यू सून। नसीब आपका खुलने वाला है। शुक्र का जो ट्रांजिट है ये 7 मार्च तक है और 7 मार्च से 31 मार्च तक शुक्र दसवें स्थान में चलेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर चलने वाले शुक्र आपके बिजनेस और कारोबार को 4 चांद लगाने वाले हैं, मतलब आपका काम बढ़ने वाला है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी जॉब में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यदि आप खुद का काम करते हैं और यदि आप कोई लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, लाइक होटल, मोटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, ब्यूटी पार्लर, नाटक, लेडीज कपड़ों का काम, कोई भी प्रकार का कपड़ों का काम, तो काम आपका बढ़ने वाला है। क्योंकि प्लैनेटरी सिचुएशंस जो है ये आपके फेवर में है। सूर्य शनि का संयुक्त कॉम्बिनेशन है 10th हाउस के अंदर, लेकिन 14 मार्च तक सूर्य शनि साथ में है। 14th मार्च को सूर्य निकलकर लाभ स्थान में चलेंगे, लेकिन दसवें स्थान में कोई भी ग्रह राजयोग कारक बन जाते हैं और सूर्य तो वैसे ही राज के कारक माने जाते हैं, राजा के कारक माने जाते हैं, तो आपकी तो चांदी चांदी है। फादर का फुल सपोर्ट, जॉब में अपर लेवल से फुल सपोर्ट, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है सूर्य शनि कॉम्बिनेशन के कारण, लेकिन फिर भी जो ट्रांजिट है ये नॉन इग्नोरेबल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राजयोग है तो राजयोग है। 15th मार्च को मंगल भी आपके दसवें स्थान में आने वाले हैं शनि के साथ। जो ट्रांजिट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कोई भी जातक कार्य कर रहे हैं, मशीनरी में कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातकों का कामकाज बढ़ाने वाले हैं। यानी कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लैंड एस्टेट, मेडिकल, पैरामेडिकल एट्सेट्रा फील्ड के अंदर भी काम करने वाले लोगों का काम बढ़ने वाला है। तो शुक्र का ट्रांजिट जो है ये भी 9वें स्थान से निकलकर 10वें स्थान में जाने वाला है। यानी कि सोने के ऊपर सुहागा, ग्रैंड सक्सेस इन लव मैटर, तो और भला क्या चाहिए। जिनका वृष लग्न है, जिनका वृषभ का सूर्य है या वृषभ का चंद्र है, ये तमाम जातकों की चांदी चांदी है। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।